से कितनी तेज हो ना तुम और नादरा खाला। क्या सोचा था इतनी बड़ी बात किसी को पता नहीं चलेगी? कैसा बेवकूफ बनाया ताई अम्मी और जवाद को तुम लोगों ने। कौन सी बड़ी बात, कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम शादीशुदा हो और एक बेटी है तुम्हारी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये वही बकवास है जो कुछ देर पहले मैं अपने कानों से सुन के आई और आंखों से देख के आई हूँ। इफ्रा आई थी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कॉल कर देती, रजिया को भेज देती, मैं फौरन आ जाती। कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करो। उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। रूज बहुत परेशान है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि अगर रूज को मैं इस घर में ले आऊं, उसकी मदद कर भी, हमें उसे अपनी बहू मान लेंगे? नादरा खाला ने उसे घर से निकलने को कह दी। उनका उनका ख्याल है कि शादी के बाद वो मेरे अब्बू के घर में शिफ्ट हो जाएंगी। और ये तो खैर बिल्कुल एक अलग मामला है ना, तुम उरूज के बारे में सोचो जवाद। और क्या, और वो अपनी अपनी बेटी को पालना चाहती है, इसलिए उससे तुम्हारा साथ चाहिए।